हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट कैसे जोड़ें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया। देन जैसे ही हम फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो इसी थ्री लाइन पर हमें क्लिक करना है। एंड थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से एक नया पेज खुल करके ओपन होगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर हमें काफ़ी ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा, जैसा कि आप मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ओके, एंड नीचे आने पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी माई अकाउंट पर हमें क्लिक करना है, यानी कि इस पर टैप करना है। तो मैं इस पर टैप करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप वीडियो को देखते जाइए। मैं आपको 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ओके, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो माय अकाउंट पर क्लिक करने के बाद फिर से हमारे सामने एक नया पेज खुल करके ओपन होगा। तो यहाँ पर मेरा अकाउंट का ऑल टू ऑल डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। एंड नीचे आने पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा माई कार्ड एंड वॉलेट, यहाँ पर देख सकते हैं। और जस्ट उसके राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल्स। ओके गाइज, तो इसी व्यू डिटेल्स पर हमें क्लिक करना है। देन जैसे ही हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे सामने फिर से एक नया पेज खुल करके ओपन होगा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर में एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसी ऐड न्यू कार्ड पर हमें क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम ऐड न्यू कार्ड पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारे सामने फिर से एक नया पेज खुल करके ओपन होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा कार्ड नंबर, यहाँ पर MM और यहाँ पर YY, और उसके नीचे में यहाँ पर लिखा होगा कार्ड होल्डर्स नेम। ओके, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप जिस बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं अपने फ्लिपकार्ट में, उस बैंक अकाउंट का जो ATM होता है ना, उसका कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। ATM का कार्ड नंबर यहाँ पर, कार्ड नंबर पर क्लिक करके आपको अपना ATM का कार्ड नंबर डाल देना है। और जस्ट उसके नीचे में यहाँ पर आपके ATM पर लिखा होगा एक्सपायरी डेट। ओके, तो वही वाला एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाल देना है। MM पर क्लिक करके मंथ डाल देना है, और Y पर क्लिक करके जो ईयर है वो ईयर यहाँ पर डाल देना है। जस्ट उसके नीचे में यहाँ पर कार्ड होल्डर्स नेम, ओके, इस पर क्लिक करके जिसके नाम से बैंक है उसका नेम यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं अपना कार्ड नंबर और एक्सपायरी डेट और कार्ड होल्डर्स नेम, ये सब मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपना कार्ड नंबर को यहाँ पर डाल दिया हूँ, और उसके नीचे में यहाँ पर मैं अपना एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपना एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ। तो ये रहा मेरा एक्सपायरी डेट, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपना एक्सपायरी डेट को डाल दिया हूँ, और उसके नीचे में यहाँ पर कार्ड होल्डर्स का नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपना कार्ड नंबर को यहाँ पर डाल दिया हूँ, और एक्सपायरी डेट यहाँ पर डाल दिया हूँ, और कार्ड होल्डर्स नेम यहाँ पर डाल दिया हूँ। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। ओके, एंड फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपल सा गाइस, इस सेव वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्ड एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरा कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने फ्लिपकार्ट में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक आर ए ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो मिलते हैं नए ट्रिक के साथ, जब तक के लिए बाय।